बहुत सारे पैसे कमाए, बहुत एंजॉय किया। कॉलेज के फाइनल ईयर में मैंने अपने आप को 8.5 लाख की I20 कार गिफ्ट की। व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज फाइनल ईयर, तब भी मैं इतना ही छोटा दिखता था जितना आज दिखता हूँ। और मैं कार लेने के लिए शोरूम पहुंचा, मैंने जाके शोरूम वाले को बोला भैया कार चाहिए, तो बोलता है बैठो अभी देता हूँ। और मैं वहां पे बैठ गया, वो 15 मिनट तक वापस नहीं आया। 15 मिनट वेट करने के बाद मैं उसके पास फिर पहुंचा, उसका नाम इमरान था। तो मैंने उसको बोला भाई बोला ना आपको कि मेरे को कार चाहिए, तो बोला ठीक है अभी देता हूँ बैठो। फिर 15 मिनट हो गया, फिर बैठे रहा। अब इंसान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गुस्सा तो बराबर आती है। तो मेरे को गुस्सा आ गई, मैंने उसको बोला भैया बारिश कहां से हो रही। तो मैंने उसको बोला कि भैया बोला ना आपको कार चाहिए, इतनी देर से बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो बैठो अभी देता हूँ। तो वो भी गुस्से में बोलता है तुम्हारे पापा अभी आए कहां हैं। तो मैं समझा उसकी प्रॉब्लम, पता है। और जब उसने ऐसे बोला ना तो और गुस्सा आया। मैंने उसको बोला देख यही पापा है, यही पेमेंट करेगा तुम लोग, यही पेमेंट करेगा। फिर उसके बाद वो बैठा टेबल पे, अच्छे से सर के लिए कॉफी लेके आओ, कॉफी मंगाया, कॉफी पिया, कार फाइनल किया, कार खरीदा, कॉलेज पहुंचे। बहुत बहुत मजा आया कॉलेज में। क्लास में बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई, कुछ लोगों ने साथ दिया ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने मजाक बनाया, कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा मजाक बनाते थे। एक थे दो चार लोग जो पीछे बैठ के बहुत ज्यादा मजाक बनाते थे, और उन लोगों ने मीटिंग देखा तो 32 लाख 32 लाख चिल्लाते थे। मैं क्लास में एंट्री करता था तो एकदम पीछे से आवाज आती थी 32 लाख, टीचर मेरा रोल नंबर बोलती थी, रोल नंबर 220, पीछे से आवाज आती थी 32 लाख, राइट। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें क्लास में होती थी और मुझे बहुत गुस्सा आती थी। जितनी ज्यादा गुस्सा आती थी उतने ज्यादा मैं काम करता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं कार खरीद के लेके अपने कॉलेज के गेट पे पहुंचा। कॉलेज के गेट पे जब मैं पहुंचा तो मेरा फ्रेंड आया, मैंने उसको बुलाया, कार के अंदर मैं बैठा था, गर्मियों के दिन थे, बढ़िया एसी चल रहा था चकाचक, और मैंने विंडो नीचे किया। अब वो बाहर खड़ा था, बात कर रहा था। तो होता क्या है कि जब गर्मी बहुत हो और कार में बहुत हाई एसी चल रहा हो और आप विंडो नीचे करें तो हवा लहराती हुई ठंडी बाहर निकलती है, और जो बाहर खड़ा होता है उसको इतनी गर्मी लगी होती है उसका मन करता है वो मुंडी अंदर डाल दे। तो वो पूरा एकदम ऐसे झुका और बोलता है टेस्ट ड्राइव मिलेगी यार, खरीद लियो तुम तो, बनारस का था वो, खरीद लियो तुम तो टेस्ट ड्राइव मिलेगी। तो मैंने उसको बोला दूर पीछे पीछे पीछे, वो पीछे हुआ और मैंने ऑटोमेटिक बटन है कार में विंडो का, तो मैंने एक बार बटन दबाया, शीशा धीरे धीरे ऊपर जाता है, धीरे धीरे शीशा ऊपर जाता है। मैं बोलता हूँ बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो बहुत याद करता हूँ, तो बहुत एंजॉय आता है। उसके बाद में कॉलेज में, कॉलेज से पास आउट हुए तो जब सारे लोग इंटरव्यूज देने के लिए फाइट कर रहे थे उस टाइम पे मैंने अपना वीजा अप्लाई किया, मैंने फॉरेन कंट्रीज किए, सिंगापुर, फर्स्ट माय फर्स्ट कंट्री वाज सिंगापुर, दैट इज वेरी ऑसम कंट्री, फुल्ली रिकमेंडेड आप सब लोगों के लिए, बहुत जबरदस्त है। उसके बाद वही तभी मैं वहां पे भी सिंगापुर के पास मलेशिया पड़ता है, वहां भी घूम आया था। वहां पे हम लोग क्रूज से गए थे, क्रूज एशियाज लार्जेस्ट क्रूज रॉयल कैरेबियन, आप गूगल कर सकते हैं, दैट इज अमेजिंग। और क्रूज का जो यू नो 4-5 दिन का जो लाइफ था दैट वॉज यू नो अनएक्सप्लेनेबल, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता उसको मैं। 14 डेक थे उसमें, 14 डेक क्रूज में डेक मीन्स फ्लोर होता है, 14 फ्लोर थे उसपे। तो वहां पे बहुत इंजॉय किया और भी बहुत सारी चीजें लाइफ में हुई। फिर उसके बाद में अभी मैंने हाल ही में कुछ दिन पहले ग्रेटर नोएडा में, कोई नहीं, ग्रेटर नोएडा में अभी मैंने ATS डोलसे में एक घर परचेज किया है। मैं 25 साल का आज हुआ हूं और मैंने 25वें फ्लोर पे खरीदा है। तो बहुत मजा आता है वहां पे। राहुल जी आए थे रात में, रात में तो बहुत ही सुंदर खूबसूरत नजारा दिखता है बालकनी से, दैट इज अमेजिंग। तो बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, बहुत अच्छी चीजें हैं। फिर उसके बाद में मैं जब थाईलैंड गया था तो वहां पे मैंने स्काई डाइव किया था। कितने लोगों का ड्रीम है कि लाइफ में एक बार तो स्काई डाइव करने का है। ओहो क्या बात है, जबरदस्त, एक अप्लॉज आप सभी लोगों के लिए। सोच तो रहे हो, तो सोचोगे तभी तो करोगे। तो मेरा ड्रीम था कि मेरे को स्काई डाइव करना है। अभी बंजी जंपिंग का भी ड्रीम है लेकिन अभी किया नहीं, लेकिन स्काई डाइव कर लिया है। वहां पे जब मैं करने गया तो आई वॉज फुल एक्साइटमेंट,
एंड फिर उसके बाद में मैं जब वहां पे पहुंचा तो थोड़ा थोड़ा डर लगा. उन्होंने एक फॉर्म साइन कराया कि देर आर मेनी पीपल इंजूरियड एंड किल्ड बाई डूइंग स्काई डाइव. तो वो पढ़ा, थोड़ा डर लगा, लेकिन फॉर्म साइन कर दिया फिर. और फिर उसके बाद में उनके जेट में बैठा, उन्होंने वो क्लोथिंग वगैरह कर दिया पूरा अच्छे से. और फिर जेट में बैठने के बाद जो जेट उन्होंने चलाया है, उसके बाद मेरा मूड स्विंग होना स्टार्ट हो गया है. जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, एक बादल, फिर दूसरा बादल, फिर तीसरा बादल, उसके बाद बादल ही बादल दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा. और फिर उसके बाद में मेरा मूड चेंज हो गया ऊपर पहुंचने के बाद. मैंने बोला भैया नहीं करना है. तो जो मेरे साथ स्काई डाइव करा रहा था मेरे को, ही वॉज कैनेडियन. और जब आप बहुत डरे हुए होते हो तो उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता है. और मेरे को ये याद ही नहीं रहा कि मैं कैनेडियन से बात कर रहा हूँ, तो वो हिंदी तो जानता ही नहीं है, मातृभाषा. सोचो ना, जब चोट लगती है तो माँ याद आती है, जब आप घबराते हैं तो मातृभाषा याद आती है. मैंने उसको बोला भैया पैसे भी रख लेना, मुझे कूदना नहीं है, मुझे वापस नीचे छोड़ दे. उसे लगा मैं बोल रहा हूँ जल्दी कूदना है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. और पता है वो मुझे लेके कूद गया. कूदने के बाद बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया जब हम फ्री फॉल हो रहा था, जब गिर रहे थे. लेकिन आपसे एक रिकमेंडेशन है, अगर स्काई डाइव करने जाना तो यंग एज में जाना. लेट मत करना, क्योंकि अगर क्योंकि आजकल यू नो आपने सुना होगा कि कलयुग टाइप चल रहा है, तो कलयुग वेरी आलसी युग. तो आजकल ब्रह्मा जी भी ना थोड़े बूढ़े ज्यादा हो गए हैं, वो भी थोड़े आलस में आ गए हैं. अब अगर आप ज्यादा एज होने के बाद स्काई डाइव करने गए तो ब्रह्मा जी बोलेंगे अब इतने आ ही गए हो तो थोड़ा और बुला लेते. तो यंग एज में जाके करिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, फुल्ली लाइफ जिए. मेरे को ये बात पता है कि आज जो भी लाइफ है, जो भी है, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, मेरी मम्मी बहुत खुश है, और मैं एक बहुत अच्छी जिंदगी जी पा रहा हूँ. जो भी आप होते हैं आपकी लाइफ में, आपके लिए हुए डिसीजंस की वजह से होते हैं. हर चीज को लेके, आप किसी भी चीज को लेके जाएंगे, इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आइडियल हो. आज मैंने आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस किया, तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है पहले से ना पता रहा हो, या बहुत सारे लोगों को पहले से गलत पता रहा हो. बहुत सारी तरीके की बातें होती है. मैं अगर कोई इंसान मेरे को आगे बोलता है कि मेरे को इबिस के बारे में पता है, तो मैं उसको बोलता हूँ तो उससे क्या. अगर आपको इबिस के बारे में पता है तो उससे क्या. आपको तो अक्षय कुमार के बारे में भी पता है, तो अक्षय कुमार थोड़ी ना बन गया. आपको क्या पता है डजंट मैटर, आप क्या परसीव करते हो दैट मैटर्स. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को इबिस के बारे में पता है, मैं उनको बोलता हूँ आपको नहीं पता है. आप वो बोलते हैं अरे पता है, तो मैं बोलता हूँ तो आपको वो नहीं पता है जो पता होना चाहिए. अगर आपको पता है तो वो नहीं पता है जो आपको पता होना चाहिए. बोलते कैसे, मैंने कहा मैं चाबी दिखाता हूं ऐसे. अगर आपको पता है तो आपके पास चाबी होनी चाहिए, और अगर नहीं पता है तो मतलब नहीं पता है आपको. अगर आपके पास चाबी नहीं है मतलब नहीं पता है. अगर आपको पता है कि ईबीज है, जबरदस्त है, होता है, तो चाबी होनी चाहिए. और अगर आपको पता है और फिर भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको कुछ गलत पता है. क्योंकि हम जब आप लोगों ने ट्वेल्थ में एक्सपेरिमेंट किए होंगे केमिस्ट्री में, किए थे, कुछ लोगों ने छाप लिया होगा, कुछ लोगों ने वो बोलते ना टीप लेते हैं, छाप लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जेन्युइनली किया होगा. तो उसमें हमारा जो टेस्ट ट्यूब में जो रिजल्ट आता है, वो जब हमें पता होते हैं ना एक्सपेरिमेंट सही, पता तो पूरी क्लास को होता है, लेकिन रिजल्ट दो ही लोगों का आता है, जिनका देख के पूरी क्लास छापती है. तो रिजल्ट दो ही लोगों का आता है. तो जिसका रिजल्ट आया है ना, इसका मतलब खाली उसी को पता है. अब उससे सीख लो, मेरे पास रिजल्ट है मतलब मेरे को पता है, और आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ भी होगा. एक छोटी सी स्टोरी है आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा कि एक जंगल में बहुत सारे बंदर बैठे होते हैं. वहां पे एक भविष्यवाणी होती है कि अभी एक टोपी गिरेगी और जो बंदर उस टोपी को पहन लेगा वो जंगल का राजा बन जाएगा. तो सारे बंदर बैठ के हंस रहे होते हैं, ऐसा भला होता है.
ऐसे बनेगा कोई राजा? इतना डिस्कशन ही चल रहा होता है, इतने में टोपी आके गिर जाती है। एक टोपी आके गिरती, फटाक से एक बंदर कूदता है और टोपी पहन लेता है, और जैसे ही वो टोपी पहनता है बाकी के बंदर खूब तेज हंसते हैं और उस बंदर का मजाक बनाते हैं कि तुम एकदम बेवकूफ हो, उसने बोला टोपी गिरेगी, टोपी पहन के तुम राजा बन जाओगे और तुमने टोपी पहन लिया, बिल्कुल एकदम पागल बंदर हो। तो वो बंदर बाकी लोगों को रिप्लाई करता है कि मैंने टोपी तो पहन लिया है, राजा बन गया तो ठीक, नहीं तो मैं भी बंदर और तुम भी बंदर। मेरा राजा बनने का चांस है, आपका राजा बनने का कोई चांस नहीं। मैं आपको बताऊं, अभी एक आईएएस ऑफिसर्स का एक अभी गैदरिंग हुआ था, तो वहां पे एक कोई लीडर आए थे, नाम नहीं मेरे को याद आ रहा, नितेश जी कौन थे वो, जिन्होंने ये बोला था कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो क्या आपके पास कोई बैकअप था? हाँ, हैंडीकैप थी कोई, वो इरा सिंगल। तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि आप में से कितने लोग ऐसे थे जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे और आप लोग एक बैकअप लेके चल रहे थे, तो उसमें से मैक्सिमम लोगों ने, आई थिंक सभी लोगों ने हाथ उठाया कि हम बैकअप लेके नहीं चल रहे थे, कोई भी वहां पे बैकअप लेके नहीं चल रहा था। तो इरा सिंगल ने उनको समझाया कि दिस इज 21st सेंचुरी, 21वीं सदी है, ये वो जमाना नहीं है कि आईएएस का एग्जाम देने 5 लोग आ रहे हैं और सीट 50 है, वो जमाना चला गया। आज सीट 50 होती है तो एग्जाम देने 5 लाख पहुंचते हैं। एम आई राइट यस सर? नो? तो इरा सिंगल ने उनको बताया कि दिस इज 21st सेंचुरी, आज की डेट में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको एक बैकअप रखना बहुत जरूरी होता है। जब हम कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे होते हैं तो जब सॉफ्टवेयर हमारा इंपॉर्टेंट होता है तो हम यूपीएस रखते हैं। माई राइट यस और नो? यूपीएस रखते हैं, यस और नो? क्यों? क्योंकि अचानक से अगर लाइट चली गई या कुछ भी हो गया तो हम उस प्रोग्राम को सेव कर पाएंगे, यस और नो? सेम ईयर। अब क्या हमारी, क्या सॉफ्टवेयर हमारी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यस और नो? हमारी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सॉफ्टवेयर? लाइफ। हम लाइफ के लिए कोई बैकअप लेके नहीं चलते। आई रिकमेंड यू ऑल, इरा सिंगल ने भी रिकमेंड किया कि आप सब लोगों को अपनी लाइफ में कोई ऐसा बैकअप जरूर लेके चलना था जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर पाते। क्यों? क्योंकि सेलेक्ट कुछ लिमिटेड लोग होते हैं और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। मैं जिस दिन इंजीनियरिंग कर रहा था, मैंने ईबीएस करने की वजह से अपनी इंजीनियरिंग नहीं छोड़ी, मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरे डेडिकेशन के साथ में किया, बस ईबीएस को मैंने एज ए बैकअप लिया और ईबीएस ने जो मेरा बैकअप था वो कुछ ऐसा हुआ, जो मेरा बैकअप था वो कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज फाइनल ईयर आई वाज अर्निंग 25,000 पर वीक। आई वाज अर्निंग, मेरे टीचर महीने का 25,000 कमाते थे, उस वक्त मैं हफ्ते का 25,000 रुपए कमाया करता था। एंड लाइफ इज वेरी ऑसम, एंड जो भी शौक होते हैं वो सारे पूरे करता हूँ। और आज मैंने अपने बर्थडे के दिन आप सब लोगों को भी वो अपॉर्चुनिटी दी है जिस अपॉर्चुनिटी ने मेरी जिंदगी बदली थी। आई होप कि आप सब लोग जाके सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं, खुद को ही नहीं, अपने समाज को भी बदलने में एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। एम आई राइट यस और नो? और इस दुनिया में दो ही चीजें होती हैं, एक रोशनी और एक अंधेरा, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। अ नेगेटिव माइंड विल गिव यू अ नेगेटिव लाइफ, अ पॉजिटिव माइंड विल गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। आज यहां पे मैंने आपसे बहुत सारी पॉजिटिव बातें की, यहां पे आज मैंने आपके लाइफ, मैंने आज आपसे सिर्फ एक ही बातें डिस्कस की कि आप क्या क्या कर सकते हैं, मैंने क्या क्या किया है और आप भी क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप क्या क्या कर सकते हैं यही सोच के आगे बढ़ोगे तो जिंदगी में बहुत आगे तक जाओगे। और जितना टाइम आप अपनी जिंदगी में बैठ के ये सोचोगे कि शायद मैं नहीं कर सकता हूं, आपको एक दिन रियलाइज होगा कि जितना टाइम आपने नेगेटिव सोचा उतना टाइम आपने अपनी जिंदगी का वेस्ट किया है। जिंदगी पॉजिटिविटी में है, नेगेटिविटी में नहीं। सो थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। थैंक यू सो मच एंड वी हैव अ